स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का मामला यौम तकदीस कुरान आज मनाया जा रहा है। शहर शहर एहतजाजी रैलियां और जुलूस सानहा स्वीडन पर पूरी उम्मा मुस्तरब है। कुरान पाक हमारे कल्ब में है, इसकी हुरमत की बात हो तो कौम एक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुसम्मत एक करारदाद मंजूर। इस्लामोफोबिया और मजहब के खिलाफ नफरत फैलाने जैसे वाक़ात की रोकथाम की जाए। ओआईसी का फोरम इस्लामोफोबिया के सद्देबाब और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल किया जाए। ईवान तमाम मजाहिब की तकरीम और इल्हामी किताबों पर यकीन रखता है। तवक्को की जाती है कि आइंदा इस तरह के वाक़ात नहीं होंगे। करारदाद का मतन। कौम की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में। यूथ की मदद से हमसाया मुल्क को पीछे छोड़ेंगे। बजट में मजीद 1 लाख लैपटॉप्स रख दिए। ये तलबा के लिए मशीन, मेरे लिए मिशन है। मौका मिला तो कौम के बेटों और बेटियों को 1 करोड़ लैपटॉप दूंगा। 5 अरब के जरे कर्जे भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। चीनी सरमायाकार वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का टायरों की सनत में जॉइंट वेंचर के जरिए सरमायाकारी का खैर मकदम। चीन दरीना दोस्त, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की भाइयों की तरह मदद की। चीनी सरमायाकारों को हर किस्म की मावनत फराहम करेंगे। शहबाज शरीफ, टायरों की स्मगलिंग रोकने की हिदायत। खाना केस की समाअत। सेशन अदालत ने आज चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से सस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ख्वाजा आसिफ को, ख्वाजा हारिस को पेश होने की हिदायत। केस की समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में उबूरी जमानत में 21 जुलाई तक तौसी। 14 जून से लेकर आज तक शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हुए, ATC जज का इस्तफसार। 1 भी दिन आप लाहौर में मौजूद हुए और कोर्ट में पेश ना हुए तो जमानत खारिज कर देंगे, अदालत के रिमार्क। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस। फवाद चौधरी पर फर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। 14 जुलाई की नई तारीख मुकर्रर। वकील की जानिब से केस के दस्तावेजात मुहैया करने की दरख्वास्त आए। एडिशनल सेशन जज के फरेकैन को नोटिसेस। आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर में आज तीसरे रोज भी बादल बरसने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश। दरियाओं और नदी नालों के बहाव में तेजी। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। बाबूसर टॉप पर जुलाई में बर्फबारी। वादी कागान में मौसम सर्द। सिंध में मॉनसून सिस्टम की एंट्री। कराची में आज बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, थरपारकर, मिठी और दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। आंधी और बारिशों के बाद कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा। आवाम को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। कारगिल जंग के हीरो लालक जान का आज यौम शहादत। मजार पर पुरवकार तकरीब। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फूलों की चादर रखी गई। हवलदार लालक जान शहीद ने जुर्म मंदी से चेक पोस्ट का दिफा किया। मुतादिद हमले पसपा किए, दुश्मन को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। बहादुर सपूत ने अपने खून से वतन के साथ वफा की दास्तान रकम की। लाजवाल शुजात पर मुल्क का सबसे बड़ा अस्करी एहसास निशान हैदर अता किया गया। कौम का अपने मोहसिन को सलाम अकीदत। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की शिरकत। जस्टिस आयशा मलिक के बाद सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज बन गईं।